अगली खबर आ रही है कानपुर देहात से, जहां जिलाधिकारी नेहा जैन ने विकास भवन में दीपावली के शुभ अवसर पर लगाए गए दीपावली बाजार का फीता काट कर शुभारंभ किया। इस मौके पर स्वयं सहायता समूह की महिलाओं एवं आरसीडी एवं खादी ग्रामोद्योग विभाग द्वारा लगाए गए उत्पादों के स्टॉलों का अवलोकन किया तथा जिलाधिकारी ने उत्पादों जिसमें मोमबत्ती, अचार, लिफाफे, टेडी बियर आदि की खरीदारी की तथा उपस्थित लोगों से भी ज्यादा से ज्यादा खरीदारी करने हेतु प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि दीपावली, गोवर्धन पूजा, भाई दूज आदि पर्वों की पूर्व संध्या पर मुख्य विकास अधिकारी सौम्या पांडे मार्गदर्शन एवं प्रोत्साहन के अनुरूप विकास भवन माती के सामने विशाल दीपावली बाजार का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम का आयोजन आरसीटी कानपुर देहात द्वारा एनआरएलएम के सहयोग से किया गया है। इस मौके पर जिला विकास अधिकारी गोरखनाथ भट्ट एवं आरसीटी निदेशक गोपाल कृष्ण उपस्थित रहे। मुख्य विकास अधिकारी ने बताया कि सॉफ्ट टॉयज, कैंडल, अगरबत्ती, मसाला, आर्टिफिशियल ज्वेलरी जैसे विभिन्न स्टॉल लगाए गए हैं। सबसे महत्वपूर्ण आकर्षक ऑयस्टर मशरूम का स्टॉल था, साथ ही विभिन्न दिए और गाय के गोबर से बने सामानों का स्टॉल लगाया गया था। यह कार्यक्रम 4 दिवसीय कार्यक्रम होगा। पर में सीडीओ साहब की लीडरशिप में जो स्वयं सहायता समूह की महिलाएं हैं बहुत अच्छा काम कर रही हैं, और खादी ग्राम उद्योग से जो जुड़े लोग हैं वो भी बहुत अच्छा मिट्टी के दिए बना रहे हैं और बाकी और चीज़ें भी बना रहे हैं। तो उसका आज यहाँ पे एक दिवाली बाजार विकास भवन के आगे लगाया गया है, जिसमें सभी लोग वाजिब दाम पे अच्छे प्रोडक्ट्स ले सकते हैं। स्पेशली यहाँ पे कुछ नई चीज़ें आपको दिखेंगी, जैसे गणेश जी के सॉफ्ट टॉयज आपको दिखेंगे, या फिर ऑयस्टर मशरूम एक नया है, बहुत सारे विभिन्न प्रकार के अचार हैं, और कानपुर देहात का फेमस देहाती बुकनू भी है, जो मैं सभी से आग्रह करूँगी कि अगर आप कानपुर देहात में हैं या कानपुर में भी हैं तो अवश्य आइए और ये सब चीज़ों की खरीदारी हमारे यहाँ से करें। धन्यवाद। इतने सुंदर सुंदर गहने हैं लाए, दुल्हन के रूप में 4 चांद लगाए। के रिश्ते को और गहरा बनाए, समदड़िया आभूषण का जादू है छाए।